ये मम्मी को मेरी तरफ से भेंट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में सुबह सुबह मेरे साथ ये घटना हो गई है कि मेरा बिल्कुल अनप्लान्ड मेकअप आ गया, यानी कोई बुक किया हुआ नहीं है। तो अभी मैं उठते में तुरंत फ्रेशन अप हुई हूँ और जा रही हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और शॉप पे आके कस्टमर खड़े हैं, रोशनी आ गई है, रोशनी ने अंदर बिठाया और जो भी मेन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट कर दिया। बस अभी मैं जाती हूँ और उसका मेन जो प्रोसेस है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। चुकू, आप ही लेट कराते हो। मैंने क्या लेट करा, मैं तो बाहर खड़ा था। जूते कैसे खड़े थे? एक नंबर के जूतू में, क्या जूतू हो तुम? बाहर रोकड़े मस्त हरे हरे हो गए, एकदम साटे है। क्या फोन आ रहा है? कैसा लगा आपको आपका मेकअप? मस्त लगा। ब्राइडल मेकअप डन हो चुका है। ब्राइडल मेकअप कहाँ था यार, साइडर मेकअप डन हो चुका है। और अभी रोशनी सब फटाफट समेट दिया है और मेरे को ड्रॉप करते हुए रोशनी उनके घर पे जाएगी। बाहर चाबी तो मैं खुद ही लगा के चली जाऊँगी। और मैं क्या कह रही थी आज, हाँ, हम मेकअप का ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं रोशनी के ऊपर, क्योंकि वो बड़े दिनों से एक्साइटेड हैं कि मेरे ऊपर बनाओ। तो आज बनाने वाले हैं फाइनली। बाय बाय, वापिस आते हैं। आज तो रोशनी तैयार था, नहीं आज तो नहीं माना जा रहा है। लैला वेट कर रही है, मेरा रोमा कब आएगी। हेलो लैला, हेलो लैला, क्या कर रही है? सो जा। आज मम्मी ने पीछे चक्की साफ की आटे की, तो अभी चिकू वो पॉड ऊंचा करके ऊपर रख रहे हैं। चिकू को शॉप पे भेजा था, आके वहाँ खाना खाना है, ऊपर के आए और आके ये सो रहे। और मैं बना रही हूँ अभी लंच। आज लंच में हो गए हैं थोड़े से लेट, क्योंकि सुबह चली गई थी मैं मेकअप के लिए, इसलिए यहाँ पर मैंने बनाई है मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाई है जो कि बॉईल हो रही है। एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ घी बन रहा है जो कि मम्मी ने रात को बनाया था। तो एक बार पूरा कंप्लीट बना देती हूँ, फिर चिकू को उठाऊंगी, बार बार डिस्टर्ब नहीं हो, यानी उनकी छोटी सी झपकी है वो पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, खाना तो हमारा बन के तैयार है। ये आप घी देख सकते हो, ये दाल और ये रोटी और ये प्याज। चिकू तो आज पूरा खाना घी में ही खाने वाला है। प्याज थोड़ी सी पहले बोलना चाहिए ना, मैं भी काट के लाती हूँ, रुको। मेरी प्याज चिकू ने ले ली है मेरे लिए, मैं जाके वापस से कटिंग करूंगी। अच्छा भाई, एक अजी प्याज लो। तो लंच करने के बाद हमारी सवारी आ चुकी है और सवारी पर हम निकल गए हैं हमारे राजा के साथ। क्या क्या काम है मम्मी के? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, मैं तो बैठ जाऊंगी। अभी जस्ट हुए हैं हम क्लाइंट से फ्री और अभी मैं करवा रही हूँ मेरे बालों में ऑयलिंग। और आज मैं यहाँ पर नीचे बैठ के ऑयलिंग करवा रही हूँ। पूरा कंप्लीट घर जैसी फीलिंग आई है आदमी को। फेंक के क्यों जा रहे हो? अनियन वाली नहीं लाए? हैं? अनियन वाली नहीं लाए? ना, लाओ। ये दो मैं को इधर दो। चिप? हाँ। तो फेंकूंगा एक। फेंक क्यों रहे ऊपर? ऐसे लड़ाई करते रहते हो बार बार। कब जैसे मैं? हाँ, दूधा तो भी मैं भी कम तो भी मैं तो घर में बदलाश नहीं है। कुछ कुछ खा लो।
इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे पास? तू काम करती है रिकॉर्डिंग तो मन। हाँ अभी तो बैठ रहे हैं बाहर। तो बाहर हुई है अभी प्रॉपरली बारिश आज दोपहर में, उस टाइम पे तो रात को हुई थी। क्या हुआ है बारिश के नाम पे? कुछ नहीं हुआ है। हल्की फुल्की ऐसी क्या करने की? तो घर पे आ चुकी हूँ मैं और फुल बारिश का मौसम हो रहा है पर बारिश हो नहीं रही है। तो टूटी क्या है? घर पर आने के बाद खाने में आज बन रहा है दाल ढोकली। तो दाल ढोकली का आटा यहाँ पे बांध दिया है और वहाँ पर मम्मी कर रहे हैं जो सुबह मूंग हाफ हाफ कर दिए थे ना, बोड़ दिए थे, उनकी झिटकाई हो रही है। पूरी चक्की साफ़ करके फिर झिटके गारा वगैरह कंप्लीट सेट करके, तो अभी मैं यहाँ पर दाल ढोकली बना रही हूँ। मम्मी बात वो कर रहे हैं तो अभी दाल ढोकली बनाएंगे। मम्मी वैसे पहले मोंग ने बता लेते होंगे तो ओके भाई के कटलू कटलू बोर्ड तो नहीं लेता। तो पहले मम्मी हो सब्जी बनाते पता है कड़ी बदार बनाते नहीं चलो बता दो सिंगो याना लवा सु फेवरेट है बदाम काजू ये मम्मी को मेरी तरफ से भेंट हाय गो ये मेरा बेटा लाया है। भेंट कैसी लगी? अब नाम तो मेरा है पर खाएंगे सब टेस्ट कर सबसे पहले तो बेटा ही खा लेगा। अभी ये देखो उद्घाटन कर रहा है पर ऐसे नहीं मम्मी के लिए लाया, फर्स्ट मम्मी को खिलाओ। खा लिया ढोकलियाँ बन चुकी हैं, अब जाएगी ये सीधी कुकर में। पर कुकर में लगा तो जेंगक कुकर नहीं लगा तो जेंगक। और एक ये स्टार बनाया है चिकू के लिए, मिल जाए तो अच्छा है। इस पूरे में एक तरफ मसाला बन रहा है, एक तरफ दाल ढोकली को पैक कर दिया है। अगर मसाला भी पक जाएगा और दाल ढोकली बॉयल हो जाएगी। और अब देते हैं चिकू को सबसे इम्पोर्टेंट काम। आज का काम है कि मेरा कैमरा क्लीन करना है क्योंकि मेरे कैमरे पे मेरे हाथ दो बार आटे वाले लग चुके हैं। सो आटे वाले हाथ लग गए तो कैमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। भाभी मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। कौन है? मोटी। हाँ मैं यूँ काम दे रहा हूँ, मेरा कैमरा क्लीन करना है आपको। ओके डन, मैं भी सोच ही रहा था। क्या कह रही है मोटी? मोटी के बेटे का फोन आया था, मोटी का बेटा यूँ कर अरे हनी बोल रहा है मेरे को पास्ता खाना है। ये कितने दिन में पास्ता खाता है? रोज तो खाता है लगता है। अच्छा जिया जी बहुत सारे पास्ता ले आए। ये हमारी दाल गोटी बन के तैयार है। अब मेरी थाली में चिकू को दाल गोटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है और प्याज भी ज्यादा लग रही है। और अभी हमारी जोरदार लड़ाई भी हो गई। सही भी हो गई। सही भी हो गई वो मेरी वजह से, मैं बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ आपको पता ही है ना। तो ऊपर ऊपर प्याज दे देती हूँ। लो प्याज ले लो, लो ना। ओके तो अभी दाल गोटी को एंजॉय करते हो। मेरा तो फेवरेट है, यानी फेवरेट है। और उसके अंदर शक्कर डाली है क्योंकि मैं छोटी थी ना तब मेरे को क्या बहुत ज़्यादा तीखी लगती थी, तो मम्मी शक्कर डाल के खिलाती थी। वो आज तक वही आदत है कि मैं दाल गोटी में शक्कर डाल के खाती हूँ और प्याज और नींबू और घी बहुत सारा वो सब ले लिया है। यहीं पर मैं धीरे धीरे भी दाल गोटी खाऊँगी और फिर थोड़ी वॉक करूंगी और सो जाऊंगी। और यहीं पर मैं कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय। और अब आप मुझे बताओ क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर तो रहे नहीं, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग्स में तो बोलना भी बंद कर दिया है। ओनली फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर तो करते ही नहीं हूँ।